बड़ी माँ पापा को क्या बोले कि अगर पापा को इधर लड़की ढूंढने लगेंगे तो बहुत सारी लड़कियां मिल जाएगी और उनकी माएं भी मिल जाएंगी। किस चीज के लिए? शादी करने? हाँ, शादी करने के लिए। ऐसे क्यों? क्योंकि अपना भैया बहुत सुंदर है इसलिए। ओ मम्मी मम्मी अभी आए बड़ी माँ, चलो पापा से बात करने, चलो तेजी से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मम्मी अभी पूरा गुस्सा हो गई है, अभी जा रही है। गुस्सा हो रही हूँ, देखेंगे कौन आते हैं। ठीक है, मम्मी तो बोलती है कि पापा को शादी कर लो, शादी कर। हमारी डिमांड कितनी बड़ी डिमांड है। चलो 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 चलो। कहाँ चलो? चलो हाँ ना, डिमांड है। क्या बोले उन्होंने? मैं मेरे से शादी करने के लिए कोई भी लड़कियाँ तैयार हो जाएंगे, प्लस उनकी माँ भी तैयार। उनकी माँ? अच्छा मैंने बोला, ऐसे वो बोले। ये डायलॉग घेरा नहीं है उनका। हाँ काका, पूछ क्या उधर जाके पूछ क्या। हाँ बोले उन्होंने, हाँ बोला है उन्होंने। ठीक बा, करानी है शादी? नहीं बहू चाहिए, नहीं बहू चाहिए। बना देख लो काका, देख लो। दुई और चाहिए। बाप रे, मतलब दो हो जाएंगे, तू और एक नई वाली, ऐसे दो 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 बहू हो जाएंगे। दो चाहिए काका? ठीक बा। और काका ने खुद की एक भी नहीं की। काका सिंगल बॉय और यहाँ पापा को बोल रहे और एक शादी करने के लिए। हाँ काका, मजाक कर रहे। मजाक चल रहा है यार, आप सीरियसली मत लो, मजाक चल रहा है इधर। मजाक नहीं ले रहे ना? हाँ ना, सीरियसली ले रहे हैं। पापा मजाक में नहीं ले रहे ये सब चीजें करनी है। तो अभी इनका बोलना कि भाई एक हमारे लिए अरेंज मैरिज कर लो, तो मैं बोला लड़की से। हाँ तो मैं बोला अपने दिल पे पत्थर लग के मैं एक अपने फैमिली के लिए इतना तो कर ही सकता। ओ ओ मोए मोए। पापा बोल रहे हैं कि एक लड़की लेके आओ शादी के लिए। सच में करा दो दीदी, हम तो बोल रहे हैं भैया की, तुम्हारी पसंद से करा दो, तुम्हारी पसंद। किसकी शादी? इनकी शादी। पापा की? मेरे भैया की शादी हो चुकी है, बार बार नहीं होती। अभी एक और करा दो, दो बार और एक बार करनी है उनको। हाँ भैया करनी है। अब अगर सब बोल ही रहे तो मैं किसी का दिल थोड़ी तोड़ सकता हूँ। नहीं हम हमारी छोटी में क्या कमी है? मैं थोड़ी बोल रहा कमी है। तो अरे काहे को क्यों कह रहे हो आप शादी करने के लिए? अरे वो बोल रहे कि अभी गांव की लड़की से शादी। अगर हम इधर भैया की शादी बनाना चाहेंगे ना तो सब कितनी लड़कियां तैयार हो जाएंगी भैया से शादी करने के लिए। मैं सब तुम लोगों से बात नहीं करता। मैं बड़ी माँ क्यों ऐसे किया आपने? क्या क्यों बोला उनको? अभी देखो घर जाते जाते कितनी बार वही बात रिपीट करेंगे। अभी हमारे कभी झगड़े होंगे ना तो वो बोलेंगे कि देख मेरे लिए रिश्ते रेडी है उधर। देख लेंगी बड़ी माँ। तो ये हमारी बच्ची अच्छी स्वीट मोमेंट। अरे दीदी हम सच में बोल रहे, देख लो करा दो ना जी बच्चे। अरे करा दो, करा दो। बैठ जाओ शांति। काका इसीलिए शादी नहीं की है। काका के ऊपर की शादी मैं कर लेता, उन्होंने नहीं करे तो। माता श्री कृपया आप रेडी हो जाइए, हमको अयोध्या दर्शन करने जाना है। देखो मैं ना मेरा फेवरेट ही वाला ड्रेस पहन रही हूँ और मेरे मम्मी का भी फेवरेट है ये ड्रेस, है ना मम्मी? हाँ मैं हमेशा बोलती हूँ यही वाला ड्रेस पहनती। हाँ तो आज हम अयोध्या जा रहे हैं इसलिए मैं ये ड्रेस पहन रही हूँ। देखो मैंने ना ड्रेस पहन लिया और अभी मैं रेडी हो रही हूँ और मेरी मम्मी तो रेडी हो गई है। मम्मा बाहर आइए माता जी प्लीज। कितनी क्यूट लग रही है मेरी मम्मी, ऐसे नजर ना लगे किसी की। कितनी जल्दी रेडी हो जाती है, हमको ही टाइम लगता है। मैं एकदम धीरे धीरे काम करती हूँ, है ना, स्लो मोशन में। और थोड़ा सा कम हंसा कर, थोड़ा सा हाँ। लड़कियों के जैसे हंसा कर, नाजुक हंसा कर। कैसे हंसने का? क्या राक्षस के जैसे? ये क्या राक्षसी होती तू भी? ऐसे ऐसे लड़की ऐसे हंसती है। हाँ ऐसे हंसना चाहिए शर्मा के। देखो हाँ, किस किस की मम्मी ऐसे बोलती है बता दो कमेंट्स में। मेरी मम्मी बोलती है कैसे करके हंसने से कोई लड़का शादी नहीं करेगा तुमसे, तो आज से हम करके हंसेंगे। देख
देखो हम तैयार हो गए हैं, अभी बस है ना फटाफट खाना खा लेते हैं। ये रहा हमारा खाना। तो गांव के शुद्ध देसी खाने में आज बनी है साग की सब्जी बिना ऑयल वाली, प्योर तूर दाल, बिना ऑयल की रोटी एंड राइस। देखो तो हो गया है हमारा खनवा, अभी हम लोग निकल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए। और आज है ना गाड़ी भी एकदम मस्त चकाचक धो के निकाली है पापा ने, कितनी सही लग रही है ना। कहा कहत रही? कहा बा मम्मा? आ रही है। कहा रही गए? पीछे ही रह गए देखो। अरे धीरे 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 चलते चलते। बाहर इतनी ठंड है ना, हम गाड़ी में हीटर लगा के बैठे हुए हैं पूरा शॉल वॉल ओढ़ के। कैसे होगा मम्मी बाहर उतरेंगे तो हम? अच्छा होगा, सब पापा के भरोसे। पापा बोलो ज्यादा ठंड ना पड़े। अरे अभी ठंड है तो है, अब उमा का कर सकते क्यों? आपको ये पापा की लैंग्वेज कैसी लगती है, देहाती लैंग्वेज? प्लीज कमेंट में बताना, ठीक है? कितना अच्छा बोलते हैं पापा। तो अयोध्या में ना सब कुछ अभी पूरा बदल गया, अयोध्या पूरा बदल गया है ना मम्मी। तो हम लोग देखने के लिए ना बहुत एक्साइटेड है। मैं आपको भी दिखाती हूँ अयोध्या कैसे हो गया है। और मंदिर का भी उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को, तो मैं और ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पहले जहाँ अयोध्या में मुश्किल से होटल्स मिलते थे, आज वहाँ पे ढेर सारे होटल्स हो गए हैं। अयोध्या की ओर जाने के रास्ते में बहुत बड़े महादेव की मूर्ति भी है जो बहुत दूर से दिखाई देती है। और अयोध्या की ग्रैंड एंट्रेंस देख के बहुत अच्छा लगा, जहाँ एंट्री रोड पे ही बहुत बड़ा सा भगवान राम का धनुष लगाया हुआ है। और तो और आज यहाँ यूपी में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी भी आने वाले हैं। काश वो हमें जाते हुए दिख जाए। लेट्स सी वो हमें दिखाई देते हैं या नहीं। अयोध्या धाम में आपका स्वागत है। तो गाड़ी हमने ना उधर पार्क कर दी, अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं मंदिर की तरफ। मैं आपको दिखाती हूँ यार, अयोध्या इतना पॉजिटिव लग रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। अभी बस हम मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं, मैं आप सबको भी दिखाती हूँ। आप है ना मेरी वीडियो के थ्रू ही दर्शन कर लेना। बंदर जी जय श्री राम। हाँ ये देखो ये कैसे जा रहे हैं गोद पे बैठ के। चलो ना फास्ट चलो। तो अभी हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं शरयू नदी के दर्शन करने के लिए। देखो ये रही शरयू नदी, चलो दर्शन करने। दर्शन कर लिए, अभी हम लोग चलते हैं मंदिर की तरफ। कौन योगी जी आ रहे जी? हाँ। अच्छा अच्छा, मुख्यमंत्री? हाँ हाँ, अभी नहीं आ रहे, अभी आएंगे उनका। अच्छा। मतलब वो प्रोटोकॉल 2:15 टाइम दिया है। ठीक है ठीक है, धन्यवाद। इसके लिए आ रहे हैं योगी जी, आने वाले अभी यहाँ से। वाओ इधर देखो ना कैसे बजरंगबली है, ये देखो वो रहे ऊपर राम जी और इधर है लक्ष्मण जी, कितना सही लग रहा है ना। देखो इन्होंने ना हमारा फोटो निकाला, ये पेपर में आने वाला है। कौन से पेपर में आएगा? कौन से पेपर में आएगा? दैनिक जागरण में आएगा, हम देखेंगे कल पेपर में। आप भी देखिए ना यूट्यूब पे। ये देखो ये एंट्री भी कितनी मस्त है, ये देखो। देखो ना सब कितना अच्छा सजाया हुआ है, एकदम मस्त लग रहा है अयोध्या में आके यहाँ पे, है ना मम्मी? सब तरफ फूलों से सजावट की है, सब तरफ फूलों से सजावट की हुई है। बस कुछ और दिन बाकी हमारे भगवान को आने के लिए। हाँ फिर एकदम धूमधाम से आएंगे भगवान। कौन आ रहा है? योगी जी आ रहे हैं। योगी जी? वाह यहाँ से योगी जी गुजरेंगे, देखो इधर से नहीं इधर से आएंगे। देखो ये अयोध्या के ना नए शॉप अभी ऐसे है, देख रहे हो कितने मस्त है नए शॉप। और अभी है ना योगी जी आने वाला है इधर से, इसलिए इतना स्ट्रिक्ट चल रहा है इधर सब। ये हेलीकॉप्टर का आवाज आ रहा है उधर से, लैंड होगा उधर की साइड, लैंड होगा हेलीकॉप्टर, फिर आएंगे योगी जी।
हेलीकॉप्टर का आवाज आ रहा है। देखो योगी जी, क्या आप हमें देख पा रहे हो हेलीकॉप्टर से? वो दिखा दिखा दिखा, यहाँ से जाएगा अभी। देखो योगी जी की जय हो, योगी जी आ गए। हमको देखो हम इधर। योगी जी के आने से कितनी पॉजिटिव एनर्जी आ गई यहाँ पे। देखो अब वहाँ उतरेंगे योगी जी, फिर आएंगे कार से। दूर, 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 दूर। हो गया, हो गया। एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं वो। ए योगी जी आ गए वो, देखो। शायद अभी और गाड़ी आ रही है ना, अब आएंगे। हाँ 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 देखो यहाँ से ऐसे लग रहा है जैसे हम अलग ही दुनिया में आए। नहीं पापा, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। उधर सामने है हनुमान गढ़ी। देखा पूरे दुकान सब लाइन से एक जैसे ही दिख रहे। कैसे लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में आ गए अभी, पुराने अयोध्या काम है। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे आके एकदम मस्त। देखो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो हनुमान गढ़ी, हम लोग आ गए। हाँ। कितना मस्त लग रहा है। जब रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद में भगवान राम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी यहाँ रहने लगे, इसीलिए इसका नाम हनुमानगढ़ी या हनुमान कोट रखा गया। यहीं से हनुमान जी राम कोट की रक्षा करते थे। इसीलिए आज हम इसे हनुमानगढ़ी कहते हैं और पूरी दुनिया में यही हनुमान जी का घर है। मैंने यूट्यूब पर बहुत हेट झेला है, बहुत रोई हूँ मैं, बट जब मैंने हनुमान जी को ये बात यहाँ आके बताई तो उसके बाद आज मैं 12 मिलियन पे हूँ और वो हेट फैलाने वाले लोग भीड़ में खड़े रह के बिंदास काव्य को ग्रो होते हुए देख रहे हैं। बोलो जय बजरंगबली। गाइस ये हनुमान जी का घर है और यहाँ हनुमान जी खुद है, इसीलिए आप भी दर्शन करो। हे बजरंगबली, आपको मैंने सिर्फ 100 के सब्सक्राइबर्स मांगे थे, आपने तो मुझे 12 मिलियन पहुंचा दिया। मुझे बस एक चीज और दे देना कि मैं हमारे देश के लिए कोई भी एक छोटी सी चीज कर पाऊं। हेलो आंटी, आपकी तबीयत कैसी है? मम्मी पापा के साथ। देखो मम्मी पापा की फिर से एक बार शादी हो गई। कांग्रेचुलेशन, मैं भी आई आपकी शादी में। चलो फिर मैंने कुछ नोटिस किया और मुझे बहुत बुरा लगा। हनुमानगढ़ी पे इतने सारे टाइल्स लोगों के नाम के टाइल्स लगे हुए हैं जो उनके रिश्तेदारों ने मरने वालों की याद में सारे मंदिर में चिपका रखे थे। अभी जितने भी लोग अयोध्या मंदिर आएंगे वो सारे लोग हनुमानगढ़ी भी आएंगे और वो सब ये नाम्स के टाइल्स देखेंगे और जो देखने में इतना गंदा लग रहा है। अब अयोध्या इतना सुंदर बन ही रहा है तो आई रिक्वेस्ट योगी गवर्नमेंट कि ये सारे नाम लिखे हुए टाइल्स यहाँ से हटवा दे।
वीडियो के इस पार्ट को कट करके ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे शेयर जरूर करना एंड योगी जी को टैग जरूर करना। हमें यहाँ मंदिर में किसी के नाम के टाइल्स नहीं चाहिए, ये मंदिर है, कोई सीमेंट्री नहीं। तो अभी हम लोग है ना राम मंदिर देखने जा रहे हैं, वो भी है रिक्शा में। चलो बैठो। मम्मी आप कहाँ बैठोगी? आओ बैठो, ला दो हाथ, हाथ ला दो पप्पा। हाँ बैठ गई मम्मी, वाओ। देखो मम्मी और मैं हम दोनों बैठ के जा रहे हैं, बाकी सब पैदल आ रहे हैं। बाय पापा, बाय सोनल मासी। कितना अच्छा है देखो ना, यहाँ पे डॉल वगैरह भी मस्त है, चूड़ियाँ भी अच्छी है। मम्मी आपको लेनी है? हाँ फिर अभी फिलहाल रोड का काम चालू है ना, इसीलिए ये ही रिक्शा चल रहा है यहाँ पर। जय माता दी। बहुत बड़ी फैन है, बोलती है मम्मी हमको सब मिले चलिए मिलाने। हमने कहा उतना दूर लेके जाए। हां हां, आओ तो फोटो ले लेते हैं। फोटो ले लेते हैं। आओ कौन का साथ कर रहा हूं। हां का मतलब क्यों अच्छी लगती है मम्मी पापा से बहुत प्यार करती है, किसी के साथ नहीं बनाती, अपने मम्मी पापा के साथ बस अपना घर बना रही है। डर है ना, देखती है अपना घर। मतलब रिलीव नहीं हो रहा है, इसका सपना पूरा हो गया। समझिए कि इसका बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया, इसका कुछ पूरा होना ही हो, बहुत बड़ा इसका सपना था कि आपसे मिले। इतना कम एज में इतना सक्सेस की है, न्यू घर बन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपने पैसे से न्यू घर बना रहे हैं। न्यू घर वाले व्लॉग्स, थैंक यू। बहुत सपोर्ट करती है आंटी और उनके पापा मम्मी। वाव देखो ना सब कितना मस्त काम चल रहा है। अभी तो फिलहाल काम चल रहा है, हम इधर चल रहे हैं मंदिर की तरफ। चलो वाव, और राम मंदिर मेरे आंखों के सामने था। मैं बहुत खुश थी कि यही वो जगह है जहाँ हमारे प्रभु राम विराजमान होंगे। तो हमें ना यहाँ से मूर्ति लेनी है, सब भगवान की देख रहे हैं हम कौन सी पसंद आती है। ये देखो, देखो इस टाइप में लेनी है हमको। लाओ भी हो पापा 700 रुपए। देखो मम्मी ने क्या क्या लिया है, वो मम्मी अभी उधर ही सामान ले रही है। जैसे जैसे शाम भर रही है ना, वैसे वैसे बहुत ठंड लग रही है। इधर मम्मी सुधरने वाले है नहीं अभी। अभी और आधा घंटा खड़े रहो, मैंने लेके चलो उसको। जा कहाँ है मम्मी? आ गई आ गई आ गई। मम्मी जल्दी चलो, ठंड लग रही है। वाओ ये किचन देखो ना कितना क्यूट है, ये वाला भी। तो कुछ ऐसा था हमारा अयोध्या दर्शन। अब जब राम मंदिर सबके लिए ओपन हो जाएगा तो हम फिर से आएंगे। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जल्दी से कमेंट्स में लिख दो जय श्री राम एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अब कल है कीर्ति का बर्थडे, तो गांव में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और कल ही होगा हमारा गांव में लास्ट डे,